हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे प्रोटिस्ट में सेकंड टॉपिक, जो हमारा है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जैसा नाम से पता चलता है, डाई मीन्स दो, फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजिला। इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है। जैसे हमारा टी बनता है ट्रांसवर्सली, और लॉन्गिट्यूडनली हमारा जैसे एल बनाया जाता है। इसे हम पायरोफाइटा बोलते हैं बिकॉज फायर एल्गी होती है। फायर एल्गी से हम क्यों बोलते हैं, इसमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है जो लाइट को एमिट करती है। ये मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मींस अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये येलो होते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग होते हैं इनका जो मेन पिगमेंट होता है इनकी सेल वॉल में। अगर इनकी सेल में पिगमेंट येलो है तो यह येलो होते हैं, अगर इनकी सेल में पिगमेंट ब्राउन है तो ये ब्राउन होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज प्लेट्स पाई जाती है उसकी आउटर सरफेस पे। मैंने बताया है कि इसमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है और एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। और जो दोनों फ्लैजेला होते हैं वो प्लेट्स की वॉल में फुरो होते हैं। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोनियोलैक्स होता है, वो रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है और सी के ऊपर ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइड लगाई हुई हो। इसी के नाम पे इसे रेड टाइड्स बोलते हैं। ये टॉक्सिन को रिलीज़ करते हैं बहुत लार्ज नंबर में, जिससे किलिंग हो जाती है जो अदर मैराइन एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेज वगैरह की। इनका जो स्टोरेज जो फूड होता है वो स्टार्च एंड ऑयल होता है। रिप्रोड्यूज मोस्टली सेक्सुअली करते हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू। लेकिन कुछ स्पीसीज इनमें ऐसी भी होती है जो रिप्रोड्यूज सेक्सुअली करती है। थैंक यू।